हिंदी भाषा के महत्व पर निबंध। प्रस्तावना। एक स्वतंत्र देश के लिए स्वयं की एक भाषा होती है जो उस देश का मान सम्मान और गौरव होती है। भाषा और संस्कृति ही उस देश की असली पहचान होती है। भाषा ही एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। विश्व में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी भाषा का विशेष महत्व है। यह भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में दूसरा स्थान है। हिंदी सिर्फ एक भाषा का ही काम नहीं करती है, यह सभी लोगों को एक दूसरे को आपस में जोड़े रखने का काम भी करती है। हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। इसका अध्ययन विदेशों में भी होता है और विश्व के कोने कोने से लोग भारत सिर्फ हिंदी सीखने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा का सरलतम रूप हिंदी भाषा ही है। हिंदी भाषा में संस्कृत के काफ़ी शब्दों का समावेश देखने को मिल जाएगा। हिंदी भाषा का विकास। विश्व में कुल 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से हिंदी एक भाषा है। रूप या आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक भाषा है। भारत देश में 4 भाषा के परिवार मिलते हैं जो भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती हैं। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा परिवार भारोपीय परिवार है। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी धर्मों के लोगों को जोड़े रखने का काम करती है। यह सिर्फ एक भाषा का ही काम नहीं करती, यह एक देश की संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन, पहचान आदि है। हमारे में से कई लोग ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि वह हिंदी नहीं सीखेंगे फिर भी उनका काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति अन्य भाषाओं को मुख्य भाषा के रूप में प्रयोग नहीं ला सकता है। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से हर भारतीय आसानी से आपस में समझ सकते हैं। हिंदी को संस्कृति की बड़ी बेटी का दर्जा प्राप्त है। हिंदी बहुत ही सरल भाषा है जिसे हर कोई सीखकर इसका प्रयोग कर सकता है। यह सीखने में बहुत ही आसान है। हिंदी को सीखने के लिए आपको अधिक खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, इस मात्र कुछ किताबों के मदद से सीखा जा सकता है। हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के लोग अपने बचपन से करना शुरू कर देते हैं। भारत एक ग्रामीण देश है और इसकी अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक रखती है। भारत में सभी अंग्रेज नहीं जानते, इसलिए भारत में आपको किसी से भी बात करनी हो या फिर संवाद करना हो तो आपको पहले हिंदी का ज्ञान होना ही चाहिए। यह एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से हम अपनी भावनाओं को बहुत ही सरल तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी की जानकारी होते हुए भी अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदी बोलने से उनके चरित्र पर सवाल उठेंगे। ये सोच रखने वाले हिंदी को अधिक महत्व नहीं देते, लेकिन उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे सीखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके भारत आते हैं। हिंदी के महत्व को जानने के लिए यही मात्र काफ़ी है। हिंदी भाषा के क्षेत्र। पहले के समय में पूरे भारत का उत्तर भारत का पूरा भाग हिंदी भाषा का माना जाता था, जिसमें मुख्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि हैं। यहाँ पर अधिक संख्या होने से हिंदी भाषा पूरे भारत में फैलती गई और धीरे धीरे हिंदी भाषा पूरे भारत में लोकप्रिय होती गई। आज के समय में हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है, इसकी हर जगह पर सराहना हो रही है। आज के समय में हिंदी मुख्य रूप से भारत के सभी राज्यों में बोली जाती है। इन राज्यों में मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आदि आते हैं। हिंदी भाषा भारत के अलावा नेपाल, दक्षिण अफ्रीका,
मॉरिशस, अमेरिका, यमन, युगांडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड, सिंगापुर आदि में भी बोलने वालों की संख्या लाखों में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएई में भी यह हिंदी बोलने वाले और द्विभाषी या त्रिभाषी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। हिंदी भाषा की विशेषताएं। हिंदी भाषा को देव भाषा संस्कृत का सरलतम रूप माना जा सकता है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें हम दूसरी भाषा के शब्द भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें आसानी होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दूसरी भाषाओं की वर्णमाला की तुलना में बहुत अधिक व्यवस्थित है। हिंदी भाषा के वर्ण हम जो भी बोलते हैं उन्हें आसानी से लिख भी सकते हैं, जबकि दूसरी भाषाओं में ऐसी नहीं होता है। यह एक ऐसी भाषा है जिसमें निर्जीव वस्तुओं के लिए लिंग का निर्धारण होता है। हिंदी भाषा को पढ़ने के साथ ही इसे आसानी से लिखा भी जा सकता है। हिंदी भाषा के शब्दकोश में मौजूद हर शब्द का काम अलग अलग होता है और यह बढ़ ही रहा है। हिंदी भाषा में साइलेंट लेटर्स नहीं होते हैं, जिसके कारण ही इसका उच्चारण और लेखन में शुद्धता होती है। सोशल मीडिया पर हिंदी भाषा प्रयोग हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए सभी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट ने हिंदी को महत्व देना शुरू कर दिया है। उपसंहार। हिंदी भाषा के प्रति हमारा सभी का यह कर्तव्य है कि हमें हिंदी के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें इसका भरपूर सम्मान करना चाहिए। यह भाषा सभी धर्मों को जोड़े रखने का काम करती है। सभी को यह समझना चाहिए कि हिंदी भाषा का प्रयोग करना हीनता का प्रतीक नहीं, बल्कि यह हमारा गौरव है।